आज हम एक कप चावल से बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी सा और बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता। छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक ये नाश्ता सभी को बहुत पसंद आने वाला है। और आप चाहें तो इस रेसिपी को ब्रेकफास्ट के लिए बनाएं या फिर आप बच्चों के टिफिन के लिए भी इसे बना सकते हैं। तो आइए फिर बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। और रेसिपी से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक मेरी हर एक नई रेसिपी का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो ये लीजिए, यहाँ आ गए चावल। यहाँ पर मैं एक कप चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ और चावल की जो क्वांटिटी मैं ले रही हूँ वो लगभग 3 से 4 लोगों को सर्व करेगी। चावल को हमें 3 से 4 बार साफ पानी से धोना है और इसे हम ओवरनाइट सोक होने के लिए रख देंगे। और अगर आप गर्मियों में इस रेसिपी को बना रहे हैं तो लगभग 4 घंटे के लिए आपको चावल को सोक करना है। तो यहाँ मैंने चावल को ओवरनाइट सोक करके रखा है और इसका जितना भी पानी है वो मैंने निकाल दिया है, उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ पर भीगे हुए चावलों को मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ मिक्सी के जार में। और एक कप चावल को पीसने के लिए हमें 1/2 कप से 3/4 कप पानी तक की ज़रूरत होगी। तो जैसी भी रिक्वायरमेंट हो आप उस अकॉर्डिंग इसके अंदर पानी ऐड करें। चावल को हमें थोड़ी देर तक पीसना है ताकि ये बहुत ही अच्छे से पिस सके। तो यहाँ पर लगभग 1/2 कप पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और अगर पानी की बाद में ज़रूरत लगेगी तो हम फिर से इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे चावल पिसकर तैयार हैं और ये देखिए, ये अभी आप देख सकते हैं कि एकदम बढ़िया तरीके से पिस चुके हैं। तो यहाँ पिसे हुए चावलों को मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक बड़ी बोल में। बड़ी बोल इसलिए चाहिए क्योंकि अभी हम इसके अंदर और खूब सारी वेजिटेबल्स डालने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ प्याज। यहाँ पर मैंने ऐड की है 1/4 कप बारीक कटी हुई प्याज, साथ ही इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/4 कप बारीक कटे हुए टमाटर, 1/4 कप कद्दूकस की हुई गाजर, 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया। साथ ही हमें इसके अंदर ऐड करना है कद्दूकस किया हुआ आलू। तो यहाँ पर एक छोटे आलू को मैंने पहले से ही कद्दूकस करके पानी में भिगो के रखा हुआ था और अब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे बोल में। आलू को बोल में डालने से पहले हमें उसे अच्छे से निचोड़ लेना है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल सके। आलू को कद्दूकस करने के बाद पानी में ही रखें ताकि उसका कलर ख़राब ना हो। तो यहाँ पर आलू को भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/4 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। सारी वेजिटेबल्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर नमक भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं नमक ऐड करना पहले भूल गई थी। ये लीजिए, नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। नमक को अच्छे से मिक्स कर लें और इस बैटर में अभी हम एक तड़का भी डालने वाले हैं। तड़का बनाने के लिए एक पैन में डालें देसी घी या फिर रिफाइंड ऑयल, साथ ही इसमें ऐड करें 1 टीस्पून राई। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें लाल मिर्च पाउडर डालें। गैस की फ्लेम को लो पर रखें और राई को थोड़ा सा भून लें। और राई के अच्छे से भून जाने के बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे बारीक कटी हुई अदरक, लहसुन और मिर्ची। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर ऐड करें 1 टीस्पून तिल और 10 से 15 बारीक कटे हुए करी पत्ते। सारी चीज़ों को भून लें और हमारा तड़का तैयार है। और इस तड़के को अब हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं हमारे बैटर में। तो तड़का ऐड करते ही हमारा बैटर तैयार है। तड़के को और बैटर को अच्छे से मिक्स करें और यहाँ पर अब बारी आती है हमारे फाइनल स्टेप की, यानी कि अब हम अपने मिक्स वेजिटेबल चावल का डोसा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक नॉनस्टिक पैन पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बैटर और आप यहाँ पर बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, हमें इसी तरह का बैटर चाहिए। आप देख सकते हैं कि पैन में बहुत ही आसानी से फैल रहा है और ये देखिए पैन के साइज़ का मैंने पूरा इसे फैला दिया है। इसे ना तो हमें बहुत ज़्यादा पतला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। और इस तरह से फैलाने के बाद में गैस की फ्लेम को लो पर रखें और अब हम पैन को ढक देंगे। साथ ही ढकने से पहले हमें इसके ऊपर लगाना है थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ साइड से मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और अब हम पैन को ढक देंगे। लगभग 1 से 2 मिनट तक हम पैन को ढके रहने देंगे, उसके बाद में लिड हटाकर हम इसको पलट देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ढकने के बाद में जो ऊपर का पोर्शन था वो ड्राई हो चुका है। ऊपर के पोर्शन पर मैंने फिर से थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और अब हम इसे पलट देंगे। ये देखिए कितनी आसानी से ये पलट जाता है। दोनों तरफ से हमें इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। वापस से हम पैन को ढक देंगे और ढकने के 1 से 2 मिनट के बाद में वापस से लिड को हटाएंगे और अब हम आपको दिखाते हैं कि यह हमारा मिक्स वेजिटेबल डोसा देखने में कैसा लग रहा है। ये देखिए पीछे से तो ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है और दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे।
और सेकने के बाद में आप इसे टमाटो केचप के साथ में, हरी चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा डोसा कितना बढ़िया लग रहा है, ये बहुत ही सॉफ्ट है, साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये सॉफ्ट भी होता है लेकिन इसके अंदर थोड़ा थोड़ा क्रंच भी होता है। तो आज की इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग बिंज क्रेविंग्स।